हर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश मणिकंठा ये कैसा अस्त्र चुना है तुमने? मात्र एक लकड़ी का दंड। ये हमारी गदाओं और खड्गों के सामने तो कुछ भी नहीं है। मित्रों, गुरुदेव की शिक्षा मत भूलो। उन्होंने हमें सिखाया है कि विजय अस्त्रों से नहीं अपितु उन पांच गुणों से प्राप्त होती है। जो उन्होंने हमें सिखाए हैं, अनुशासन, एकाग्रता, ज्ञान, साहस और बल। बस हमें नियोजित प्रकार से प्रयोग करने की इच्छा शक्ति और निष्ठा चाहिए। ये कैसा शोर है? यकीन नष्ट करेंगे हम, यज्ञ करने वाले ऋषियों का हरण करेंगे हम। अब मेरे सामने दो चुनौतियां हैं। गुरुदेव का दिया कार्य संपन्न कर यज्ञ पर छाए संकट को दूर करना है, और ये दोनों कार्य मुझे एक साथ करने होंगे। तुम सभी शिष्यों को कल मिलकर मणिकंठा के विरुद्ध अपने शस्त्रों और शक्ति का प्रदर्शन कर उसके लिए कठिनाई उत्पन्न करनी है, ताकि मुझे ये विश्वास हो सके कि भविष्य में जो गुण और कौशल उसके लिए आवश्यक होंगे वो उन्हें प्राप्त कर चुका है। तुम सभी कहते हो उसने सदा तुम्हारी सहायता की है, तो अब तुम्हारे द्वारा उसकी सहायता का समय है। कभी कभी किसी का विरोध करना ही उसकी सहायता करना होता है। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ देखते हैं कौन सर्वप्रथम इस परीक्षा को पार करेगा। छोटी से छोटी ध्वनि पर ध्यान देना होगा। ओम श्री हरिहरेश्वराय नमः। इन तुच्छ ऋषियों के लिए तो मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। अभी इनका यज्ञ भंग करके आती हूँ। इस
आपने इतना सधा हुआ वार कैसे किया? अब देखना कैसे एक एक कर सभी को वायु में उड़ा देती हूँ। तुम तो उन्हें हवा में उड़ाने गई थी कि तू उस कथा ने तुम्हें हवा में उड़ा दिया। परंतु ये गधा आई तो कहाँ से आई? संभव है ये गधा किसी योद्धा के हाथ से छूटकर संयोगवश तुमसे टकरा गई। तो अब प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए हमें। चलो चल के इस यज्ञ को नष्ट कर दे। चलो मित्रों शीघ्रता करो, तुम्हें समय का ध्यान नहीं। अदृश्य शक्ति हम पर वार करना चाहती है। कोई तो अदृश्य शक्ति है जो इनकी रक्षा कर रही है। इस मंत्र का उच्चारण तो पूर्णाहुति के ठीक पहले किया जाता है, मुझे जाना चाहिए। अब तुम्हारी वास्तविक परीक्षा होगी, क्योंकि हम तुम्हें इतनी सरलता से नहीं जाने देंगे। धन्यवाद मित्रों, परंतु अब मुझे जाना होगा।
शीघ्रता करो मित्रों, यज्ञ समाप्त होने जा रहा है। सैनिक होकर भयभीत हो गई। आतंकित तो उन सभी को होना चाहिए था तुमसे। किंतु हम करते भी तो क्या महारानी? अदृश्य दिव्य शक्ति का उत्तर हम कैसे देते? क्या करना चाहिए था मैं दिखाऊंगी तुम्हें। मुझे ले चलो वहाँ। जी। ये अदृश्य शक्ति जो भी है उसे उचित उत्तर तो देना ही होगा मुझे। यशस्वी भव। अद्भुत मणिकंठा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण ही नहीं अपितु तुम तो आज तक के मेरे सभी शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना तेजस्वी और मेधावी शिष्य मुझे प्रथम बार मिला। अब तुम मार्ग में आने वाली प्रत्येक चुनौती के लिए तैयार हो और राजकुमार मणिकंठा, अब आपका, आपके माता पिता के निकट जाने का भी समय आ गया। आप कल भोर में ही प्रस्थान कर सकते हैं। मुझे सदैव ये लगता रहा कि इसकी दृष्टि मुझ पर ही गड़ी हुई। मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि ये बालक देख पाने में असमर्थ है।
वो यज्ञ स्थल उन मेघों के पार है महारानी महेशी। ऐसा होना चाहिए कि मेरे आगमन का समाचार सुनते ही यज्ञ अधूरा छोड़कर चले गए सब। महारानी महेशी आप स्वस्थ तो हैं? चलो चलो। कदाचित उस फड़फड़ाती ध्वजा में महेशी को अपना काल ही दिखाई दे गया। फिर क्या हुआ माँ? क्या महेशी और प्रभु में युद्ध हुआ? क्या प्रभु अपने माता पिता के पास लौट आए? अभी नहीं पुत्री, वहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व उनके हाथों से एक बहुत बड़ा कार्य होना था जिससे उनका नाम अयप्पा होना था और उनकी इस महिमा का परिचय संसार को मिले। उसका माध्यम बनने वाला था ऋषि गुरुनाथन का पुत्र सर्वोत्तम। संसार को प्रभु अयप्पा मिलने वाले थे और वहीं दूसरी ओर वो कपटी मंत्री अपनी दुष्टता से रानी के मन को उनके प्रति दूषित करने का कार्य कर रहा था। माँ, क्या मैं पिताजी के समान लगता हूँ? हाँ पुत्र, तुम उन्हीं के समान हो। उचित कहा महारानी आपने, एकदम उचित कहा। इनके महाराज बनने से इस सिंहासन की शोभा और बढ़ जाएगी। जय हो महाराज राजराजन की। क्षमा करें महारानी, परंतु मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ, यही इस राज्य के युवराज बनने के योग्य हैं, ना कि वो मणिकंठा। बस महामंत्री जी, मैं अनेकों बार कह चुकी हूँ, मेरे दोनों पुत्रों में मुझे किसी प्रकार का भेदभाव पसंद नहीं। महारानी, हम भेदभाव नहीं करा रहे हैं, हम तो इनके स्वभाव का सम्मान करते हैं। अब आप तो भली भांति जानती हैं महारानी कि राजकुमार मणिकंठा को राजनीति में कोई रुचि नहीं है, वो तो सदैव भक्ति में लीन रहते हैं। और कैसे होगी महारानी, वो आपके पुत्र जो नहीं है। और ये युवराज राजराजन, ये आपके अपने हैं, आपके अपने पुत्र। इनमें युवराज बनने के सारे लक्षण हैं महारानी, तो फिर प्रतीक्षा किस बात की है? प्रतीक्षा नहीं, स्वागत की तैयारियां कीजिए। महारानी, आपका पुत्र शिक्षा पूर्ण करके लौट रहा है, उसके लौटने पर हमारा परिवार पूर्ण हो जाएगा। ना ना, मेरे होते हुए ऐसा कैसे संभव है भला? ये परिवार पूर्ण नहीं होगा, बटेगा। बड़ा दुष्ट था ये मंत्री, किंतु ये बताइए माँ, क्या रानी माँ वास्तव में माँ मंत्री के बातों में आने वाली थी? हर एक माँ अपनी संतान को सुखी ही नहीं सदा सुखी देखना चाहती है, और जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, यही है उसकी ममता, जिसका वो दुष्ट मंत्री लाभ उठाना चाहता था। और वहीं दूसरी ओर प्रभु मणिकंठा अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में, जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय था, वो देकर
प्रसन्न करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण उल्लास में है, वहां तो मैं पहुंच गया। पुष्पों के रस से सभी को आनंदित कर मधु का निर्माण करने वाली मधुमक्षिकाओं, आज गुरुकुल में मेरा अंतिम दिन है और मैं अपने गुरुदेव को उनका प्रिय मधु देने का इच्छुक हूँ। प्रकृति माता से जो मधु आपको प्राप्त होता है, उसमें से कुछ मधु मुझे देने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ वर्षों में मणिकंठा के कारण बिना देखे बिना पढ़े कितना कुछ जान गया है सर्वोत्तम। कल मणिकंठा के जाने के पश्चात मेरे पुत्र के नेत्रों का अंधकार पुनः उसके जीवन में अंधेरा ले आएगा। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र और विनीत बनाता है और ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है। क्या है रहस्य इंद्र के पाक बनने के पीछे और स्वामी अयप्पा ने क्यों की बाघ की सवारी, जानने के लिए देखते रहिए विघ्नहर्ता श्री गणेश।